कोचिंग सेंटर की बेसमेंट में पानी भर गया था और 3 स्टूडेंट की इस समय मौत हो चुकी है। इस वक्त तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा, दिल्ली पुलिस जो है जिस बेसमेंट में पानी भरा था उसके भारी हिस्से को जो है बैरिकेड लगाकर और कॉर्डन ऑफ करती हुई नज़र आ रही है। फिलहाल 4 बजे के आसपास जो था NDRF का रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हुआ था। लगभग 9 बजे के आसपास NDRF की टीम घटनास्थल पर पहुंची थी और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था। NDRF और दमकल विभाग ने दोनों टीमों ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन किया। 2 फीमेल बॉडीज़ और 1 मेल बॉडी जो है घटनास्थल से रिकवर की गई है। हादसे की यह तस्वीर सेंट्रल दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की है, जहां UPSC की तैयारी कराने वाले एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया। घटना की जानकारी मिलते ही फायर और NDRF की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंची। अंदर छात्र फंसे हुए थे, लिहाजा बिना देरी किए राहत बचाव का काम शुरू कर दिया गया। पानी एकाएक अंदर चला जाता है और जिसके बाद जो बच्चे हैं वो अपनी जान बचाने के लिए टेबल पर चढ़ जाते हैं, लेकिन जो बाहर निकलने का रास्ता है उनको नहीं मिलता है, जिसके कारण वो परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। इस राहत बचाव के बीच ही करीब 2 घंटे बाद एक छात्र की डेड बॉडी मिलती है। खबर 3 छात्रों के लापता होने की थी, लिहाजा बाकियों की तलाश में टीमें जुटी हुई थी। कुछ देर बाद एक और शव बरामद किया जाता है और उसके कुछ देर बाद एक और, यानी एक एक कर 3 स्टूडेंट्स की डेड बॉडी मिलती है। UPSC कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसका बेसमेंट पूरी तरह फ्लड हो चुका है। एज यू आर अवेयर कि इवनिंग में हैवी रेन्स हुए थे यहाँ पे और उसके कारण रोड पे भी वाटर लॉगिंग था काफी, और एडजॉइनिंग कुछ बिल्डिंग्स में भी वाटर लॉगिंग था। अब इस घटना के बाद छात्रों में गुस्सा है, गुस्सा सिस्टम पर है, गुस्सा प्रशासन पर और गुस्सा उस दिल्ली सरकार पर जिसने दिल्ली को बदलने का भरोसा दिया था। एस्पिरेंट्स, हम कैश काउज नहीं है, यहाँ की पूरी इकोनॉमी चलाने वाले हम लोग हैं, हम यहाँ पे चलाते हैं इस जगह को, तब भी हमको एज कैश काउज ट्रीट किया जा रहा है। वी वांट जस्टिस फॉर नीलेश राय हु वाज मर्डर्ड अ वीक अगो, पता नहीं यार कितने मरेंगे, इसको एक रिफॉर्म लाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे स्टूडेंट हूँ, पानी भरा होता है सर डेली, ऐसे ही पानी भरा होता है, उसमें से हम डेली निकल के जाते हैं। 10 दिन पहले एक और लड़के के साथ हुआ था, वो मेंस लिख रहा था अपना, तो कल हमारे साथ होएगा। हम लोग सर यहाँ पे पढ़ने आए थे, ना कि मौत के घाट चढ़ने आए थे। यहाँ पे जितनी लाइब्रेरी है सारी बेसमेंट वाली लाइब्रेरी बंद कर दी गई, ताकि किसी को पता नहीं चले कि यहाँ पे सारी लाइब्रेरी ऐसी चल रही है, किसी में भी इमरजेंसी एग्जिट नहीं है, किसी में दूसरा कोई एग्जिट पॉइंट नहीं है, सब में ऐसे ही पानी भर रहा है। दिल्ली सरकार ने घटना के मजिस्ट्रेट जाँच के आदेश दिए हैं, लेकिन इस जाँच से होने वाला क्या है ये सवाल इसलिए क्योंकि बीते 24 तारीख की यह तस्वीर तो अभी भूले नहीं होंगे, जब पटेल नगर इलाके से IAS की तैयारी कर रहे गाजीपुर के नीलेश राय की करंट लगने से मौत हो गई। नीलेश भी घर से निकलकर कोचिंग जा रहा था, कॉलोनी में पानी भरे होने की वजह से गेट के सहारे नीलेश ने बाहर निकलने की कोशिश की, गेट को छूते ही नीलेश को करंट लगा। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जब तक लोग पहुंच पाते नीलेश की मौत हो चुकी थी। दिल्ली सरकार पिछले कई महीनों से जेल से चल रही है, क्योंकि आपके मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है, वो वहीं से दिल्ली सरकार का कामकाज देखते हैं। ऐसे में दिल्ली की जनता भगवान भरोसे है और इसके नतीजे भी एक एक कर आने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, आर भारत आपको पल पल का अपडेट बता रहा है, लेकिन इस पूरे हादसे के बाद 3 जान चली गई और उनका IAS बनने का सपना भी इसी के साथ खत्म हो गया। उस दौरान क्या हुआ था, चश्मदीदों की जुबानी सुनिए। It was all started yesterday from 7 PM. We ran to the spot. और हमें पता चला कि कोई गाड़ी गुजरी है, जिसके वजह से वो जो कांच का जो डोर होता है वो टूट गया और उसके बाद फिर फ्लैश फ्लड की तरह पानी अंदर आई। तो हमारा ये अभी जो कंसर्न है, जो हम लोग यहाँ पर है, कि कोई भी अथॉरिटी, एनी स्पोक्स पर्सन फ्रॉम द रॉज IAS, एनी स्पोक्स पर्सन फ्रॉम द MCD, सम अथॉरिटीज़ नीड्स टू बी डन हियर। जस्ट वी वॉन्ट द इन्फॉर्मेशन, द नंबर ऑफ कैजुअल्टीज हैपन, नंबर ऑफ दैट हाउ मेनी पीपल्स हैज बीन ट्रैप्ड, हाउ मेनी पीपल्स हैव बीन इवैक्यूएटेड। और बिल्कुल लगातार हमारे साथ प्रियंका भी जुड़ी हुई है। प्रियंका, क्या कुछ जानकारी आपके पास?
बिल्कुल देखिए, हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से सिलसिलेवार तरीके से तस्वीरें दिखाते हैं। अब इस वक्त घटनास्थल पर क्या कुछ दृश्य देखा जा रहा है। सबसे पहले यही वो बेसमेंट दिखाते हैं जो जिसके जहां पर पानी भर गया था और यहां पर तीन बच्चों की बेवजह जिंदगी खत्म हो गई। वो बच्चे यहां पर सेल्फ स्टडी कर रहे थे। इसी जगह पर आप देख पा रहे हैं यहां पर लाइब्रेरी बनाई गई थी। और थोड़ा सा उज्ज्वल आप जूम करिए, देखिए ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है ये सिंस 1953 से बना हुआ है। लेकिन यहां पर ये तैयारी नहीं की गई कि अगर नाला अगर बरसात हो रही है और नाले का पानी यहां पर आता है तो क्या कुछ इंतजाम किए जाएंगे, ये जरा सा भी नहीं सोचा गया। इतना पुराना ये इंस्टीट्यूट है। हालांकि यहां के लोकल जो विधायक है आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक, उनको लगातार कटघरे में खड़ा किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आखिर इतनी लापरवाही के पीछे वजह क्या है। आम आदमी पार्टी या तो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करती है लेकिन जो जिम्मेदारी होती है उस जिम्मेदारी से हमेशा भागती हुई नजर आई है। अब यहां पर ये मशीनें, आखिर इन मशीनों का क्या फायदा, डीसिल्टिंग को लेकर इन्हीं मशीनों के माध्यम से डीसिल्टिंग करवाई जा सकती थी और उन तीन बच्चों की जिंदगी को बचाया जा सकता था। लेकिन अब इन मशीनों को लाकर रख दिया है। अब इन मशीनों के जरिए जो गाद यहां पर नालों में फंसी हुई थी उनको निकालने का काम किया जा रहा है। लेकिन अब इनका क्या फायदा, क्योंकि वो तीन बच्चों की जिंदगी अब वापस नहीं लौटाई जा सकती। उनके परिवार में एकदम मातम पसर गया है। यहां पर हम देख रहे हैं एक नहीं दो नहीं बल्कि लगातार कई सारी आईएएस की कोचिंग अकेडमी यहां पर दिख रही है। लेकिन ये धंधा अगर चलाना है, अगर ऐसा व्यापार करना है तो बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ये भी ध्यान यहां पर इन कोचिंग के मालिकों को रखना चाहिए। सिर्फ पैसा कमाने के लिए इतनी बड़ी बड़ी इमारतें इन्होंने खड़ी कर ली है। लेकिन वहां पर आप देखिए बरसात होती है। कल आपको बता दें 131 मिलीमीटर की बारिश हुई जिसके बाद कुछ ही देर में 10 से 15 फीट तक पानी भर जाता है। आप सोचिए ये दिल्ली का दृश्य है, ये दिलवालों की दिल्ली है जिसने पूरी जिंदगी जो बच्चों की जो है तीन जिंदगियां पूरी तरह से खत्म कर दी। अब यहां पर ये देखिए ये सिर्फ वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी है। लेकिन जब कॉल की गई थी 112 नंबर पर कॉल की गई थी तब ये भी जानकारी मिली है कि ट्रैफिक में फंस गई थी ये गाड़ियां। रेस्क्यू की टीम ट्रैफिक में फंस गई थी जिसके चलते बच्चे मदद की गुहार लगाते रहे। लेकिन सवाल ये कि जो कोचिंग के मालिक है आखिर ये कहां थे उस वक्त, कोई मदद के लिए नहीं आया। आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं उज्जवल। यहां पर आप देखिए पुलिस कर्मियों का पूरा महकमा यहां पर दिख रहा है। अच्छी खासी तादाद भी यहां पुलिस कर्मियों की दिख रही है। लेकिन वो स्टूडेंट्स भी वहां पर बैठे हुए हैं जो लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और उनका कहना है कि दिल्ली में उचित जो है नियम होने चाहिए, कायदे कानून होनी चाहिए। प्रगति लगातार यहाँ इसी स्पॉट पर है, एक एक तस्वीर आपको दिखा रही है और कुछ स्टूडेंट से भी उन्होंने बातचीत की है। प्रगति, ओवर टू यू। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। स्टूडियो से मेरी दो साथी भी बुलेटिन में मौजूद रहेंगी। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि दिल्ली के राजेंद्र नगर में तीन छात्रों की मौत की जानकारी मिलती है। उनके नाम भी सामने आ गए हैं, तान्या, श्रेया और नवीन नाम बताए जा रहे हैं। मैं मौके पर मौजूद हूँ राउज आई स्टडी सर्कल के बाहर ही जहाँ पर यह हादसा हुआ। फिलहाल बताया जा रहा है कि रेस्क्यू कम्प्लीट है, पानी पूरी तरीके से निकाल लिया गया है। इससे कुछ देर पहले 1 से 2 फीट पानी भरा हुआ था, वो भी अब निकाल लिया गया है। अगर आप इस इंस्टीट्यूट की बात करें तो यहाँ पर देखिए करीब 1 लाख रुपए की फीस बच्चों से ली जाती है। लेकिन सुरक्षा को लेकर अब कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि तीन बच्चों की मौत हो जाती है। बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी, किस बेसिस पे चल रही थी, क्या नॉर्म्स थे वो, यहाँ पर फायर सिक्योरिटी तक नहीं है और उसके बाद बावजूद यहाँ पर ये बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाई जा रही थी। आगे बढ़ते हुए पंकज, उन स्टूडेंट्स की जानकारी भी आपको दे देते हैं जो आक्रोशित हैं, नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्हें अब आंसर चाहिए, जवाब चाहिए कि आखिर ये क्यों हुआ है और हुआ है तो एमसीडी जवाब दे। उनका कहना है कि एमसीडी की लापरवाही है, उनसे ही बात करने की कोशिश कर लेंगे। लगातार वी वांट जस्टिस के नारे लगा रहे हैं। अगर आप उधर तस्वीर देखें तो अग्निशमन की गाड़ी, दमकल विभाग की गाड़ी यहां पर मौजूद है। इसके अलावा एमसीडी की गाड़ियां पहुंच गई हैं, पुलिस प्रशासन की टीम यहां पर मौजूद दिखाई दे रही है। और अभी देखिए थोड़ा बहुत पानी भरा है लेकिन कल रात तक की अगर आप बात करेंगे तो यहां पर भी घुटनों तक पानी और उसके बाद उससे नीचे थोड़ा पानी, क्योंकि पानी रिमूव करने का काम कर दिया गया था और उसके बाद पूरी तरीके से यहां से पानी निकाल लिया गया है। उन छात्रों से भी बात करेंगे। आप यहां देख रहे हैं भीड़ दिखाई दे रही है, भीड़ इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि बच्चे नाराज हैं। उनका कहना है कि प्रशासन जवाब दे कि ये क्यों हुआ है, वी वांट जस्टिस के नारे लगातार दिखा रहे हैं। और अगर ये तस्वीरें आप देखेंगे तो ये प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, ये बैठे हैं बीच सड़क पर और बोल रहे हैं कि हमें जवाब दीजिए, ये किसकी लापरवाही है, ये हर साल ऐसा ही होता है, हर बारिश में ऐसा होता है और इसके लिए कोई समाधान नहीं निकाला जाता। अब 3 लोगों की मौत हो गई है, कुछ बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, कुछ कहना चाहेंगे मैम?
ये प्रोटेस्ट तब तक सफल नहीं होगा जब तक अथॉरिटी यहाँ पे नहीं आती, एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे नहीं आती। या तो ऐसा है कि हमने इस चीज़ के बारे में नहीं बोला, यहाँ पे वीडियोस बन रही थी, बहुत पहले से बन रही थी कि यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है, लेकिन किसी ने यहाँ पे एक बार भी आके देखने की कोशिश नहीं की। क्या हम स्टूडेंट्स की लाइफ की कोई कीमत नहीं है? हम स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, बाहर से जो है हमें घर वाले यहाँ पे भेज रहे हैं, दूर दूर से हम यहाँ पे आ रहे हैं। आप देख सकते हैं साफ तौर पर इनका आक्रोश दिखाई दे रहा है। आप किसकी लापरवाही बता रहे हैं, बताइए तो कि आपको क्या लगता है कौन सी लापरवाही है? कोचिंग की है, एमसीडी की है। इसके अलावा और भी कोचिंग सेंटर है, यहाँ पर भी ऐसी व्यवस्था